अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारदी तिव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषां पुरम। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को पूछा गया था, जब प्रभुपाद व्हाट यू मीन बाय डिवोशन, भक्ति किसको बोला जाता है। प्रभुपाद जी ने बताए जे अपना सब कुछ तन मन धन लगाकर भगवान का सेवा करना ही भक्ति। अपना तन मन धन सब कुछ भगवान का चरण में अर्पण करके भगवान का सेवा करना ही भक्ति। समस्त इंद्रिय वर्ग जितने हैं सब अपना अपना हिसाब से चलते हैं, कर्ता अपना बस में नहीं ले पाते, इंद्रियों को बस में लाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बताएं मन को बस में लाना मुश्किल है, इंद्रियों को बस में लाना मुश्किल है, लेकिन आप बताते हो कि मन को बस में लाओ। मन को बस में लाए तो प्रिलिमिनरी सब कुछ समाधान हो गया, क्योंकि तमाम शास्त्रों का फंडामेंटल जो चीज है, पहला प्राइमरी जो विषय है, भागवत में भी बताया, मन को जय करना, मनो एव मनस्वानम कारणम बंधनम अक्षयो। मन को बस में लाए तो सोचो कि आधा कम हो गया। मन बस में आया तो भजन करने का व्यवस्था हो जाएगा। मन बस में नहीं है, इंद्रियों अपना बातें सुनते नहीं हैं, ये स्वयं हम इस अवस्था में हम भजन कर लेंगे, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, संभव नहीं। काल एक बात को उठाया था लेकिन व्याख्या नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी ने अपना पोता प्रियव्रत के पास आए, मनुपुत्र प्रियव्रत है, मनु जी का पुत्र है, पुत्रों को मनु जी ने बताया तुम राज सिंहासन गद्दी पे बैठ जाओ। लेकिन प्रियव्रत ने बताया देखो हमारा बस का काम नहीं, हम तो भजन करने के लिए चले जाएंगे, हम बैठेंगे नहीं, हमारे सब दुनियादारी का चीज का दरकार है नहीं, इसमें क्या जलन है क्या है हम जानते हैं। तो ये माने नहीं, जंगल में चले गए। और इस समय मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना किए, देखो आपका पोता कोई हमारा बात मानते नहीं है, वो भजन करने के लिए चले गए, ये बुद्धिमान है, हम आपका आदेश मानते हुए सिंहासन में बैठे थे, आपका आदेश पालन किए थे, इस अवस्था में आप थोड़ा मेरा साथ जाए तो उसको मनाएं तो हम उसको वापस लाने का कोशिश करेंगे। ब्रह्मा जी ने मनु का साथ चले गए। भक्ति राज्यों का जिसका जाने माने मशहूर, जिनके नाम छोड़कर शास्त्रों में कुछ सोचा ही नहीं जाता, इनके नाम है भक्ति राज्यों का जो आचार्य है नारद जी महाराज। नारद जी महाराज प्रियव्रत का पास पहुँचे और उसको
भक्ति का बारे में सुंदर उपदेश देना शुरू कर दिए। इसी अवस्था में ब्रह्मा जी मनु को लेकर उधर पहुँचे कि इतने में वो लोग देख लिए कि ब्रह्मा जी अवतरण कर रहे हैं, ऊपर से चारों ओर रोशनी इतना विकिरण उद्भासित हो चुके कि नज़र को खींचने का व्यवस्था, भले कहाँ से इतना रौनक इतना रोशनी आए। तो देखे ब्रह्मा जी उतर रहे हैं, नारद जी महाराज प्रियव्रत सारे उठकर खड़ा हो गए और सामने आए तो साष्टांग दंडवत किए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने बताएं कि आप इधर आ गए हो, मेरा ऊपर ठाकुर जी का आदेश है, इसलिए मैं इस दुनिया का जितना सारे सृष्टि का विषय इसका सेवा लेकर मैं व्यस्त हूँ। ये भी ठाकुर जी का ही सेवा है, अपना मनमानी कुछ नहीं किए, ठाकुर जी ने आदेश किए। चतुश्लोकी भागवत का अंतिम जो श्लोक है उसमें बताएं, एतत् मतम समातिष्ठ परमेन समाधिना, ये श्लोक जो है ये श्लोक के द्वारा भगवान का आशीर्वाद है ब्रह्मा जी के ऊपर। एतत् मतम समातिष्ठ परमेन समाधिना, ये मत को आप हृदय से गोहन करते हुए आप सृष्टि का विषय में जो सेवा है उस करते रहोगे तो आपके लिए कोई मुसीबत नहीं आएगा, ये मेरा आशीर्वाद रहा। भगवान का साक्षात आशीर्वाद है ब्रह्मा जी का ऊपर। ब्रह्मा जी का आदर्श पालन करते हुए मनु जी महाराज भी ऐसा पालन किए और देखो तुम आदेश पालन करने के लिए तैयार नहीं हो, भगवत भजन करने के लिए चले आए। लेकिन एक बात सोच समझ लो, इसका इंद्रिय वर्ग और मन अपना बस में नहीं है, वो कहीं भी रहे, हिमालय का गुफा में रहे या वृंदावन का जमुना का किनारे रहे, कहीं भी रहे, इसका लिए तो भजन संभव नहीं है। कहीं भी वो रह ले, लेकिन भजन करना इसके लिए संभव नहीं है। लेकिन मन और इंद्रियों अगर बस में आए तो कहीं भी आप रह लो, गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा आपका भजन तो बनते रहेगा, नहीं तो आप जंगल में आकर भी क्या करोगे, कोई तो फायदा नहीं। बड़ा सुंदर उपदेश किए। इसके बाद मनु जी महाराज और ब्रह्मा उनको वापस ले आए और गद्दी पे बैठाए। ऐसा प्रसंग आता है जिसका मन और इंद्रिय बस में नहीं है उसके लिए भजन संभव नहीं है। ये शास्त्रों का एकदम फंडामेंटल चीज है, भजन मार्ग का सबसे बड़ा प्रसंग ये है। भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी ये उपदेश किए। अर्जुन ने बताए जो मन को बस में लाना असंभव है, असंग संयम मन, ये जो मनम है इसको बस में लाना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिए असंशयो महाबाहो मनो निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कंतियो वैराग्येन च गृहते, चंचलम ही मनम कृष्णम बलवद्धिरम प्रमाति बलवद्धिरम तस्याहं निग्रहं मन्ने वायुरीव सुदुष्करः।
इसको निग्रह करना, कंट्रोल में नाला, टू गेट कंट्रोल ओवर योर माइंड इज क्वाइट इम्पॉसिबल, संभव नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हाँ हम मानते हैं, वायु रिव सुदस्कर, बहती हुई वायु को किसी का हिम्मत है कि उसको पकड़ के धर ले, संभव नहीं। ऐसे मन को हुई, मन को भी बस में लाना संभव नहीं है। लेकिन अभ्यास न तो कुंती वैराग्य न चौग्रह, तुम अगर अभ्यास करते चलो तो मन आज नहीं तो काल आपका बस में आ जाएगा। ये जो अभ्यास का बात अभी आया है, ये अभ्यास कौन सी अभ्यास, व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू मीन, किस तरह का प्रैक्टिस सब बताते हो, इसका बारे में खुल्ला खुल्ला उत्तर ये है कि भक्ति योग का आचार्य जो है, भक्ति मार्ग का, इन आचार्यों का अनुगत्य में ये जो अभ्यास योग होता है, अभ्यास योग भी अपना मनमानी नहीं होता। अगर किसी ने बोले कि महाराज हम अभ्यास कर लेंगे अपने आप, होगा नहीं। अभ्यास योग भी सामान्य सर्टेन रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स है। इसके अलावा आप अभ्यास योग में प्रतिष्ठित हो जाओगे ये संभव नहीं। भक्ति योग में अभ्यास योग गीता में सब आया है, जहां भगवत जी गीता जहां अपना उपदेश को समाप्त करते हैं, भागवत जी गीता का उपदेश जहां समाप्त होते हैं, वहां सी गौड़ीय दर्शन का, भजन का जो शुरुआत होता है। गीता में फाइनल टीचिंग्स जो है, अल्टीमेटली जो जहां बोल के उपदेश को विराम दिया गया, वो आप जानते हो, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम भजो, अहम तम सर्व पापीभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। यही है गीता का अंतिम उपदेश, बट इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर गौरीय दर्शन। गौरीय भजन में ये शुरुआत है। शरणागति के बिना गौरीय दर्शन में, गौरीय भजन में एंट्री नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा चीज सुनने का चीज है। जहां गीता खत्म कर देते हैं, वहां से गौड़ियों भजन का स्टार्टिंग पॉइंट, एंट्री होगा ही नहीं गौड़ीय दर्शन में, गौड़ीय भजन में, जब तक वो शरणागत नहीं हुआ। सबसे बड़ा चीज ये है, भजन का नाम, भक्ति का नाम, बाजार में बहुत सारे चीज, बहुत सारे चीजें चलते रहते हैं। आम आदमी को पता नहीं कि क्या भजन है क्या नहीं है, वो लोग बेचारा क्या करे। जैसा संग ऐसा ही रंग चढ़ गया, जैसा संग होता है ऐसा ही रंग चढ़ता है। अपना जो चरित्र, अपना जो व्यवहार, अपना जो संस्कार, इसका मूल में ही है संग। सिर्फ सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने सुंदर बताया, हमारा बड़ा इच्छा है गौरिया मठ का क्या स्पेशलिटी है, व्हाट गौरिया मठ कैन डू फॉर यू, लेकिन समय इतना अल्प है और श्रोताओं में सुनने वाला भी नहीं है। ऐसा टकटकी लगा के सुनेंगे, इतना पेशेंस भी नहीं है। इसलिए गौड़ियों मठ का स्पेशलिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा कभी कभी टच कर देते हैं, लेकिन पूरा बताने का समय नहीं होता। भजन के नाम बाजार में बहुत सारे चीज़ चलते रहते हैं। आम आदमी को क्या पता है,
कुछ भी हुआ तो मान लिया, बोले यही भक्ति है। जब किसी का सौभाग्य का उदय होता है, सौभाग्य बोलने से हम बड़ा भारी पैसा मिला, बड़ा व्यवस्था हो गया, ये हम सौभाग्य का परिभाषा वास्तव नहीं है। सौभाग्य का परिभाषा है भक्ति प्राप्ति करना। वास्तव संपत्ति भक्ति है। भक्ति छोड़ के दुनिया का जो संपत्ति आप मानते हो वो वास्तव संपत्ति है नहीं, इसका प्रमाण हम दे देंगे। फिर भी बातें उठा तो दो एक पॉइंट कह देते हैं। एक जेल का अंदर जो कैदी रहते हैं जितना सारे, वो किसी कैदी को बोलो आप कैसे हैं तो क्या उत्तर देगा? ये दुनिया में जन्म लेने का बाद ये संसार जेल जो है, दुर्गा मतलब है दुर्गो, दुर्गा मतलब दुर्गो, तुमको कैद करके रखा है, देवी जी का काम ये है। इसका अंदर रहते हुए भले कोई पूछे कि कैसे हो महाराज, तो क्या उत्तर देगा? श्रीला बामन गोस्वामी महाराज सुंदर बोलते थे, जेल का अंदर बहुत सारे कैदी रहते हैं, सश्रम कारादंड किसी का है, सब एक ही साथ खाते पीते हैं, लाइन लगाकर काम करते हैं, 12 साल रहते हुए वो आपस में इतना दोस्ती हो गया कि एक दूसरे के लिए इतना प्यार हो गया, बड़ा वाह। हाँ महाराज, असुर लोगों में भी प्यार होता है, हिरण्यकशिपु आंसू बहाते हैं बच्चा को गोदी में लेकर, ये कोई झूठा नहीं। शेर है जंगल में, उसका भी थोड़ा प्रीति होता है बच्चा के ऊपर, तो प्रेम प्रीति उसका एक एक किस्म का वैरायटी होते हैं। सच्चा नहीं है जगत का प्रीति प्रेम, फिर भी है कुछ तो है जिसके द्वारा इस संसार चल रहे हैं। सम काइंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज देयर। कैसा बंधन है कि आप घर का बाहर जा नहीं सकते हो बीवी बच्चा छोड़कर, कहीं भी जाओ 15 दिन के लिए ऑफिस का काम में, फिर घूम फिर कर उसी घर में आपका आने के लिए बड़ा इच्छा होता है। किस किस्म का बंधन है महाराज? इसमें तो को ना रस्सी है, ना तो सिकल है, चेन है, कुछ नहीं है, फिर भी ये बंधन सबसे बड़ा बंधन है। प्रहलाद महाराज जी कहते हुए सुंदर बताया, देखो जब इतना परिश्रम करके आदमी घर में आते हैं तो नन्हे मुन्ने बच्चा अगर बोले बाबा बाबा कह के आपका सामने दौड़े, आ देखो अभी हो गया सैंपल दे दिया, इसके द्वारा पिता का जो परिश्रम, इतना परिश्रम, इतना कष्ट, सारे लगता है कि लाघव हो गया। He feel that I am not tired. हमारा कोई कष्ट नहीं है, बच्चा को गोदी में ले लिया। प्रहलाद महाराज इसी बात को बढ़ाते हुए बोले, कलाक्षराणाम अनुरक्त धिया, बच्चा बाबा बाबा मम्मा मम्मा कहते तो कलाक्षराणाम अनुरक्त धिया, इसमें इतना अनुराग चढ़ते हैं, इतना दिल का इमोशन आता है कि मत पूछो। बट वन पॉइंट इज दैट इमोशन इज नॉट डिवोशन। इमोशन को कभी डिवोशन नहीं बोला जाता। श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था, व्हाट डू मीन बाय डिवोशन? प्रभुपाद जी ने बोले, भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल। भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल। आपका अंदर में जो आत्मा है, इसका जो स्वाभाविक वृत्ति है, ये जो करना चाहता है, इसी का नाम भक्ति। जैसे पानी का धर्म है ऊपर से नीचे आना,
पानी को बोलो कि नीचे से ऊपर जाओ, जा नहीं सकता क्योंकि पानी का धर्म है, पानी ऊपर से नीचे आए। ऐसे प्रभुपाद बताएं कि माया देवी का जो आवरण है, माया देवी का जो जो जादू है, इसको हटाया जाए और तत्सत रजतम गुण का जो आवरण है, ये सब ग्रॉस बॉडी है, खिति अपो तेज मरुद्बम, खिति अपो तेज मरुद्बम, पंचभूत के बनाया हुआ बॉडी है। इसका अंदर और एक बॉडी है, उसको बोलते हैं सटल बॉडी, मन बुद्धि चित्त अहंकार से बने हुए हैं। जैसा संग करोगे उसका ही रंग आपका ऊपर चढ़ेगा। श्रील सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर सुंदर उदाहरण दिए, बोले देखो एक स्फोटिक स्तंभ है, स्फोटिक का कलम है, उसका सामने अगर पद्मराग मणि, बहुत कीमती, वो कीमती पाथर को आप रख दो एकदम करीब करीब, तो आपको लगेगा तो स्फटिक का अंदर से लाल किरण आ रहा है, बेदाना मतो, बेदाना का माफिक दिखने में, जानते हो बेदाना का दाना, पद्मराग मणि बहुत कीमती, उसको अगर कोई स्फोटिक का सामने रख दो तो स्फोटिक का सामने रख दो तो ऐसा लगेगा स्फटिक का अंदर से उसी किस्म का काला आ रहा है, पर एक्चुअली नॉट दैट। पद्मराग मणि अलग है। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए आप जैसा संग करोगे आपका अंदर में ऐसा किसी का संस्कार बिना बुलाए आ जाएगा, इट्स ए मस्ट। तो सारे जो संस्कार है आपका उत्पटांग है, उसको चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम सेवक वैरवचंदी कवितारणम विद्यावध जीवनम आनंदन्मदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा चेतरूपी जो आपका दर्पण जो मांजन अगर किसी संत महात्मा ने बा संतों का झुंडू ने कर दिया तो उसके द्वारा आपका क्या सुविधा होगा, अंतकरण विशुद्ध हो जाएगा। अब आपका सुविधा होगा कि भजन का रास्ता खोल जाएगा। नारद जी का बचपन में भी यह प्रसंग आया था, ये सारे प्रसंग एक जगह चर्चा करने का समय नहीं मिलता। जो बात उठाया था जेल का अंदर में बहुत दिन रहते हुए 12 साल, किसी ने 10 साल, ऐसा एक साथ खाना पीना चलना जेल का अंदर करते करते दो कैदियों में अगर प्रीति हो गया तो जेलर साहब ने आके एक जो कैदी है इसको नोटिस दे दिया कि तुम्हारा अगले हफ्ता में 15 तारीख को पहला वैशाख का दिन तुम्हारा रिहा दिया जाएगा, यू आर फ्री फ्रॉम जेल। तो वो नोटिस सुनने का बाद ही उसका दिल घबरा गया, भाई तो दोस्ती है जेल का अंदर इतना सुंदर, और फिर जिस दिन रिहा व्यवस्था हो गया उसको जेल का बाहर लाया गया और तुम्हारा ये अमानती पैसा बैंक में डाल दिया गया, तुम्हारा ये सब ले और आगे आइंदा ऐसा नहीं करना। तो महाराज वो जो कैदी है, बाकी कैदी जो अंदर है उसका सामने आकर रोते हैं, रोते रोते बोलते हैं हमारा दिल टूट रहा है, कितना दिन तेलों का साथ एक साथ रहा, खाया पिया, कितना मन की खबर बातें होते रहते हैं, अब हम बाहर जाके क्या करें। ऐसा करके वो उसको मुक्ति मिल गया जेल से, फिर भी वो रोते हैं। कभी कभी ऐसा भी बोका कैदी होते हैं कि हम फिर आ जाएंगे तेरा पास, तेरा इस जेल में फिर आ जाएंगे, एक ऐसा काम करेंगे फिर तेरा जेल में भर्ती दाखिल हो जाएगा। ऐसा करते करते देखा जाए ये जेल का अंदर जितना सारे पोता पोती दादा दादी सब बन के बैठे हों, इट्स अ काइंड ऑफ जेल इन टू विच यू ऑल आर पुटेड। ये जेल का अंदर आप लोगों को रखा गया, इसका अंदर रहते हुए कैदी का माफिक, आप भी कैदी हो,
पोता भी कैदी है, दादा भी कैदी, सब कैदी है, लेकिन एक दूसरे का साथ मोहब्बत प्रीति करके मरने का टाइम में वो पोता का चिंतन करते करते मर गया, तो फिर इसी घर में फिर फायदा हुआ। जैसे वो बोल रहा था ना, फिर हम आ जाएंगे। तो ये संसार का बाहर महाराज कोई नहीं जाना चाहता है, इतना भूखा है वो, सोचते इस दुनिया का बाहर क्या है, वो देख नहीं पाते कि इस दुनिया का बाहर क्या है। ये सब जड़ जगत का अवस्था है। मैं भक्ति का स्वरूप का संबंध में थोड़ा बहुत अन्वय व्यतिरिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिचुएशन को हम बताएंगे कि आप लोगों का अंदर में जो कंसियसनेस है, सचेतन अवस्था आ जाए कि आप भक्ति क्या है, इसका बारे में जानकारी लेने के लिए अवश्य साधु गुरु वैष्णव का पास ही दौड़ोगे, ये मेरा इच्छा है। बात यह है कि भक्ति का नाम जगत में बहुत कुछ चलते रहते हैं। पहला बात तो ये है, ये जगत का आदमी दो शब्दों का साथ बड़ा भारी परिचित है। वो दो शब्दों क्या है, भले ये दो शब्दों इतना सुनते रहते हैं, वो क्या है, भले एक तो है स्वार्थोपरत्वा, एक है निस्वार्थोपरत्वा। स्वार्थी ये बड़े सारथी है, अपना छोड़ के कुछ जानते ही नहीं, सब अपना सुविधा देखते हैं। स्वार्थी इसका शब्दों का माने आई नीड नॉट एक्सप्लेन बिफोर यू बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट, आपका जानकारी है। लेकिन हम अगर चिल्ला के बोले आप जानते नहीं यू आर फूल, तब क्या करोगे। हम कभी कभी स्थापन भी करते हैं, अपना बात को खंडन भी करते फिर स्थापन करते। हम बोल दिया अभी देखो स्वार्थी ये शब्दों को जानते हैं, स्वार्थोपरत्वा। लेकिन अगर हम बोले कि स्वार्थोपरत्वा का कोई माने आप बताओ, क्या डिक्शनरी में क्या स्वरूप है, कोई बताए, बताओ। इतना जानते ही अंग्रेजी में बता देगा सेल्फिश, यही बताएगा, और उसका परिभाषा क्लियरली बता नहीं सकेगा। स्वार्थोपरत्वा बोल के कोई शब्द तो है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है इस जगत में जो भी शब्द है, सत असत का कंसेप्शन, भला बुरा कुछ भी हो, एक एक शब्दों का दो किस्म का वृत्ति होता है। दो किस्म का वृत्ति के द्वारा यू कैन एक्सट्रैक्ट द मीनिंग आउट ऑफ इट। एक है आपका विद्वत त्रुटि वृत्ति, एक है अविद्वत त्रुटि वृत्ति। इसका माने ये लोग समझेगा नहीं, जो व्याकरण आदि हायर एडुकेशन किए वो जानते हैं। अविद्वत रूढ़ी वृत्ति का माने हैं अज्ञान में डूबे हुए व्यक्ति जो विचार को बना लेते हैं, इसका नाम अज्ञरूढ़ी वृत्ति। जैसे किसी ने हमको कपड़ा नहीं है कपड़ा दे दिया, भले महाराज सेवा कर दिया, बोल दिया किसी ने, अब हम शास्त्रों का विचार उठा के देखा देंगे, इसको सेवा बोल के शब्दों यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। सेवा शब्द एकमात्र विष्णु वैष्णव धाम नाम, इसके ओरिएंटेड जो विषय है इसके लिए सेवा शब्दों का यूज हो सकता है। घोड़े का सेवा, गाधा का सेवा, पशु का, हाथी का सेवा, मुर्गी का सेवा, ये सेवा शब्दों यहाँ यूज नहीं होता है। उपकार शब्दों यू कैन यूज टू डू सम बेनिफिट। सेवा शब्दों का पूरा अर्थ विचार करे विद्या त्रुटि वृत्ति में, आप हैरान हो जाओगे, पागल बन जाओगे। हम उदाहरण दे देंगे, अभी बैठे आज थोड़ा लंबा चौड़ा ही चौड़ा चर्चा करने का इच्छा है, बंगाली परिवार भी है, आदमी तो ज़्यादा है नहीं, फिर भी मेरा मन में लगता है कि कुछ कह दे। ये सब शब्दों रह जाएगा, इफ़ आई एम नॉट हियर यू कैन डिस्कस इट ओवर एंड अगेन, बेनिफिट हो सकता है। विद्वत रूढ़ी वृत्ति का द्वारा इसका माने एक है, अविद्वत रूढ़ी वृत्ति का द्वारा
एक माने आता है। तो अभी जो आपने बताएं, क्या बताएं, अभी जो स्वार्थी बताया, इसका अगर व्याकरण में व्याख्या करो, स्व स्व अर्थो इति स्वार्थो, स्व अर्थो, स्व मतलब स्व किसी को बोलते हो, मी, आई एन मी, ये तो बॉन्डेज है। तो इसका अर्थात आत्मा का वास्तव अर्थो निकालो तो उसका नाम है भक्ति। तो क्या माने हुआ, लेकिन जगत का आदमी अगर व्याख्या करे स्वार्थो मतलब वो बड़ा स्वार्थी है, सेल्फिश है, ये माने करेगा। और स्वार्थपरता, निस्वार्थपरता, निह विसर्गो लगा दिया, उपसर्गो एक है, ना ही स्वार्थो निस्वार्थो, स्वार्थो का उपस्थिति नहीं है, इसका नाम है निस्वार्थ। तो इसका माने जो है, समाज का आदमी क्या समझता है, समाज का आदमी सोचते हैं कि महाराज देखो ये मिशन है, ये है, ये संघ है, बड़ा निस्वार्थ सेवा करते हैं, बड़ा दवा बांटते हैं, हॉस्पिटल खोल के रखे हैं, और देखो हेलीकॉप्टर से बन्या का टाइम में फिजिक जो जब नेचुरल कैलामिटी होते हैं उस समय हेलीकॉप्टर के द्वारा ऊपर से बहुत सारे कपड़ा खाना सब वितरण करते हैं। देखो कितना निस्वार्थ सेवा। लेकिन विचार करके देखा है तो जो लोग निस्वार्थ निःशुल्क निस्वार्थ सेवा का एडवर्टाइजमेंट खोल के रखे हैं बैनर, ये बैनर को हमने जोर जबरदस्ती हटा दे, उसका अंदर में एनालिटिकली हम आपको प्रमाण कर देंगे जो बाहर में लिखा हुआ है निस्वार्थ निस्कुल निःशुल्क सेवा है, इस पर्दे का अंदर में सबसे बड़ा स्वार्थ का लूटमार चल रहा है, आई कैन प्रूव, बाहर में है, बाहर में निस्वार्थ परतर का एडवर्टाइजमेंट है, बैनर टंगे हुए हैं, लेकिन बैनर को हम खींच के फेंक देंगे उसका अंदर से हम प्रमाण कर देंगे इसको अंदर में बड़ा भारी स्वार्थों का लूटमार चल रहा है। सपोज करो कोई महीना में 10 लाख का दावा आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट यू इन दिस सोसाइटी बट डोनेशन कमिंग 80 लाख्स ऑफ 1 करोड़ और मोर देन दैट, वो सब पैसा कहाँ है, पूरा तो हिसाब नहीं मिलता है। जो भी है हम ज्यादा नहीं बताना चाहें, निस्वार्थ परता का नाम पे जो स्वार्थ परता का विचार चलता है अंदर में, दोज हुआ फुलिश पीपल, कॉमन पीपल, इग्नोरेंट पीपल, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। लेकिन ये दो जो शब्द है स्वार्थ परता निस्वार्थ परता, इसके बाद भी हमारा गौड़ीय विचार में एक बड़ा भारी अच्छा शब्द है, उसका क्या नाम है, परार्थो परत्वा, स्वार्थो परत्वा निस्वार्थो परत्वा, इसका नाम उसका बाद परार्थो परत्वा, ये कभी सुने ही नहीं है लोग। ये परार्थो परत्वा जो शब्द है ये एकमात्र ये वैष्णव समाज में ही लगा सकते हो, परार्थ परता। जैसे प्रहलाद महाराज जी को एक उदाहरण दे दे, श्रील प्रहलाद महाराज जी को नरसिंह भगवान कहते हैं कि बेट प्रहलाद कुछ मांग लो मेरे से, कुछ मांग लो मेरे से, प्रहलाद महाराज खुद मांगते मांगने के लिए तैयार नहीं है, अब क्या किया जाए, थोड़ा कुछ मांग लो, नहीं प्रभु क्या मांगे आपसे, ये प्रहलाद महाराज एरोंती देव वासुदेव दत्तो चैतन्य चरितामृत में है, ये सब का प्रसंग हम थोड़ा थोड़ा टच करके गया। वास्तविक आपका तीनाद विश्वनिचन तरोपी सहिष्णुना क्या है एक्चुअली, इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग देन आई विल हैव टू एक्सप्लेन
ऑल अबाउट देम। ये वृक्ष से भी ज्यादा सहनशीलता, इसका थोड़ा बहुत उदाहरण देके हम छोड़ दिया था हरिदास ठाकुर जी का, प्रहलाद महाराज भी एक दृष्टांत तो है। वैष्णव लोग जो होते हैं ऐसा ही है, अपना जिंदगी को शेष कर दें लेकिन दूसरे का उपकार करके ही जाएंगे। पोपा जी को, पोपा जी का जीवनी को हम बताएं तब रोना शुरू कर दोगे, ना खाना ना पीना ना सोना कुछ नहीं है, दिन भर कैसे जगत का मंगल हो। जिसका अंदर में ये विचार है 100% समझ लो कि ही इज वैष्णव। समझा मेरा बात? जिसका अंदर में उठते बैठते सोते खाते हर समय चिंता कैसे जगत का मंगल किया जाए, ये विचार चल रहा है, इसका नाम वैष्णव है। श्रीला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर का ड्यूटी का समय में कभी कभी तिलक नहीं दिखाई पड़ता, कोट का अंदर में रहते थे। इसका बारे में हम प्रसंग बताएंगे। एक स्वरूपदास बाबा जी, उनको गलत समझा था, बाद में आके पैर पकड़ा, हमने समझा नहीं कि आप भगवान का निजी जन है, हमारा दिमाग में नहीं आए। और प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं नृसिंहदेव को, जब नृसिंहदेव बोलते हैं कुछ मांग लो तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, प्रायेण देव मुनयो सभी मुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपनान विमुमोक्षये को नान्याम तदस्य शरणम भ्रमतो नुपासे। क्या बताया, प्रायेण देव मुनयो सभी मुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपनान विमुमोक्षये को नान्याम तदस्य शरणम भ्रमतो नुपासे। प्रहलाद महाराज सिंहदेव के सामने वह रो रो के बोल रहे, प्रभु आप मेरे को बोलते हो कुछ ले लो, क्या ले, आपका भक्तों का कृपा हमारा ऊपर हो गया तो कृपा का कुछ बाकी रह गया, इफ देयर इज एनी शॉर्टेज ऑफ बेनिडिक्शन डू यू थिंक, ठाकुर जी हमारा वर प्राप्ति का क्या अधूरा है, कुछ बाकी रह गया, आई फील माई सेल्फ कंप्लीट, हमारा अंदर में कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। अब कोई किसी का अंदर में कोई डिससेटिस्फैक्शन है तो वो वैष्णव नहीं है, साधु नहीं है। साधु इट्सेल्फ कंप्लीट, परिपूर्ण अवस्था उसका हृदय का। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को बताते हैं, देखो ठाकुर जी प्रायेण देव मुनयो सभी मुक्ति कामा, अक्सर देखा जाता है कि अपना ही मंगल करने के लिए भजनकारी व्यक्ति सारे जंगल में चले जाते हैं, कोई एकांत में चले जाते हैं, हाँ महाराज हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। गौरियामठ का विचार ऐसा नहीं, गौरियामठ का विचार एक महीना तक हम बताए व्हाट गौरियामठ कैन डू फॉर यू, तो हमारा सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं होगा। एक एक एंगल से विचार करके गौरियामठ का वैशिष्ट क्या है, किसी का हिम्मत है तो सामने आके इसका खंडन करे। हम लड़ाई करने के लिए बैठे नहीं, निरपेक्ष सत्व प्रवचन को रखने के लिए महाराज जी बुलाए हैं। हम तो बड़े आभारी हैं कि सागर महाराज अगर नहीं होते 25 साल तो कहाँ हम आके अपना दिव्य प्रवचन सुनाने के लिए बैठते, तो इसका ऊपर हम आभारी हैं सागर महाराज जी का ऊपर। ये एक ही ऐसा महात्मा है तो यहाँ रहना मुश्किल है, इतना साल वो डटे रहें, बहुत समस्याएं आते रहें फिर भी वो कष्ट सहन करते रहें। और वैष्णवों का ऊपर इनका बड़ा प्यार है, बनावटी नहीं है, एक्चुअल ठाकुर जी का साथ बार बार रोते हैं, बोलते हैं हमको सत्संग दो, जो भी है प्रसंग आएगा।
प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, देखो अक्सर सब जीव सब आदमी भागते हैं कि हमारा कोई अशांति नहीं हो। फैमिली में भी ऐसा, बेटा का शादी दे दिया तो बहू आई, बहू बोले हम एकांत में रहेंगे, चलो एक फ्लैट ले लो दो कमरा का। ऐसा ही है, डिवाइडेड हो जाता है, कोई हारमोनी नहीं है हर जगह। इतना पालन पोषण किया, कष्ट किया, अब आप बोलते हैं कि चलो सेपरेट हो जाए। डिविजिव एटीट्यूड हर वक्त। तो प्रहलाद महाराज का ऐसा विचार नहीं है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि स्वप्न अपना स्वार्थ के, अपना समस्या अगर आए ये सहन नहीं होता, इसलिए सब भागते हैं। प्रायण देव मुनयो सविमुक्ति कामा मुनयो बहुवचन, अर्थात जो भगवान का कथा भगवान का चिंतन छोड़ के कुछ करना नहीं चाहता है वो मुनयो, ये शब्द उसके लिए ही यूज होता है। संसारी बात बोलने का इच्छा नहीं, संसार को देखते डरते हैं। एक गोरिया मटी है, संसार का अंदर आते हैं और उन लोग खींच खींच कर उठाते, मछली मछुआरे ने जैसे मछली को पकड़ पकड़ कर उठाते हैं, एक गोरिया मटी एक है। बड़ा कठिन है गोरिया मठ का भजन, कोई ब्रह्मचारी है ये सब है, सब गिर सकता अगर कुछ अटेंशन नहीं रहा भक्ति में, सब गिरेगा, एक भी नहीं बचेगा अगर ठीक से अटेंशन नहीं रहा। हम ये नहीं बोल रहे कि गिर जाए, हम बोले गिरने का 99.99% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गोरिया मठ का जो भजन है बड़ा कठिन, गृहस्थी का पास जाना पड़ता है, ये सब घर बार में रहे। हम तो करोड़ों करोड़ों पति का घर में जाते हैं लेकिन खाते नहीं, कथा सुना के आ जाते हैं, लेना देना कुछ नहीं, हमको बिक्री कर दे ये मेरा विचार नहीं है। उसका घर का रौनक देखे तो पागल हो जाएगा ये सब लोग। क्या बताए सब जो भी है। तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सब जंगल में चले जाते हैं अपना भजन के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि ये सब असुर बालक है, बद्ध जीव है, तमगुनी रजोगुनी है, इनका लिए तो आप छोड़कर हम कोई रास्ता ही नहीं देखता। देर इज नो वे आउट, आप कृपा करो तो होगा। आप हमार हमको प्यार करते हो, कृपा करना चाहो तो जरूर इन लोगों का ऊपर कृपा कर दो। देखो कितना चतुर है प्रहलाद महाराज, अपना विषय को लेके भागो ये नहीं, प्रहलाद महाराज बोल नहीं ये लोगों की कृपा करो तो सोचे कि हमारा ऊपर कृपा हुआ। कैसा निर्मल होता है वैष्णव, और उसका ऊपर एक वैष्णव का चरित्र स्वभाव का ऊपर तरह तरह का कमेंट्री कर देता है बद्ध जीव, बिना सोचे समझे कुछ भी दिमाग पर पास कर देता है। बड़ा दुख की बात है, समाज में तरह तरह का विचार चलता है, इसी को ही भक्ति बोल के वो लोग प्रोजेक्शन करता है। प्रोजेक्शन जड़ जगत में ये बंगाली परिवार है, ये सुने होंगे बचपन में पढ़ाई करने का टाइम में बंगाली कवि जगदानंद, वो बोलते हैं सवार उपरे मानुष्यत्व तार उपरे नाय। सवार ऊपर मानुष्यत्व, सबका ऊपर मानुष सच्चा है उसका ऊपर नहीं। ये कवि का साथ हमारा अभी अगर भेंट हो जाता तो मर गया, कितना साल हो गया हमको मालूम नहीं है, लेकिन आज अगर ये कवि का साथ हमारा भेंट हो जाए, हम पहले प्रश्न करते तो ये जो सत्य है सच्चा, इसका थोड़ा डेफिनेशन हमको समझाओ क्या है, क्या माने आप समझते हो, वो तो बोल नहीं पाएगा। सत्य इसका माने तो बहुत गंभीर है, अस्ति ये इसके लिए इस सत शब्दों का प्रयोग होता है, सत शब्द जहां तहां प्रयोग नहीं होता, विच इज परमानेंट एंड परपिचुअल नॉट परमानेंट। आप बोल सकते हो ये घर हमारा परमानेंट है, स्टिल इट इज नॉट परमानेंट बिकॉज यू आर नॉट परमानेंट, हाउ योर रूम इज परमानेंट। तो हमारा कहने का मतलब आप समझा नहीं, हम बोले सत ये शब्दों जो यहां मायावादी लोग सद असद नेति नेति विचार करते रहते हैं, इन लोगों को हम पूछे महाराज सत असत ये सब नेति नेति विचार करते हो तो सत किसको बोला जाता है, सत का थोड़ा डेफिनेशन बताओ, कोई तो डेफिनेशन होगा। व्याकरण में शास्त्र के हिसाब से
अस्थि जिसका एग्जिस्टेंस है एवं जिसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, इसके लिए सत शब्द प्रयोग किया जाता है। सत शब्द जो जहां सहां प्रयोग नहीं होता, लेकिन कवि ने प्रयोग कर दी। तरह तरह का विचार आता है, आदमी लोग देयर इन पजलिंग कंडीशन, बड़ा पढ़ाई लिखाई किया लेकिन इतना बोका है, सब सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। रियली यू आर इंटेलिजेंट बट अकॉर्डिंग टू योर ओन एस्टिमेशन, अपना विचार के अनुसार यू आर इंटेलिजेंट, आई कन्फेस, बट आई कैन प्रूव यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर फूल, आप बोका हो, हम प्रमाण कर देंगे, भागने का कोई रास्ता नहीं। बात यह पैदा होता है कि जब जतमत ततपत जीवे प्रेम करे जय जन सेवी सही जन सेविचे ईश्वर, इसका हिंदी अनुवाद ये है, जितना मत है उतना पथ है महाराज, यार क्या दरकार है बोलो। इससे अच्छा होता कि हम चुपचाप रहते, कुछ धर्मों का भजन का बारे में कुछ नहीं बात करते तो अच्छा होता, कम से कम आपको उल्टा रास्ता में भेजने का जो व्यवस्था है इसको बंद कर देता, लेकिन ये तो नहीं हुआ। जितना मत है उतना पथ है, अच्छा जितना मत है उतना पथ है। आप जाना चाहते हो कि बॉम्बे, आपको हम मैड्रास का टिकट दे दे तो आप पहुंच जाओगे, मैड्रास मेल में बैठ जाओगे आप बॉम्बे पहुंच जाओगे, तो ये तो यही बात हुआ। जितना मत है उतना पथ है, सब ठाकुर जी का बात, ठाकुर जी का पास जाता है, कैन यू प्रूव इट, प्रमाण कर सकते हो कि ठाकुर जी का पास आओ, तुम्हारा कितना सन्यासी है सब आओ, प्रमाण करो एक एक करके बात बताओ, जितना मत है उतना पथ है, प्रमाण करो आओ सामने। सिर्फ एक तो यूजलेस फिलोसॉफी को हम थ्रो कर देंगे, इमोशनल एक तो सिचुएशन बना देंगे, आओ महाराज इतना बड़ा स्वामी जी आए, अरे एक तो फॉल्स आपका फिलोसॉफी को आपका सामने रख देंगे, आपका इमोशन तो है ही है, तो आप नाचना शुरू कर दोगे, हमारे यही ठीक है बोलोगे, तो यही तो बोलते हैं गौड़िया मठ भले बड़ा कट्टोर है। आप प्रमाण कर सकोगे कि जीवे जीवे प्रेम करे जय जन सही जन से भी ईश्वर, जीवों को सेवा करने से ईश्वर का सेवा ही हो जाता है। यू नीड नॉट सर्व द सुप्रीम लॉर्ड, कैन यू प्रूव इट, वो तो प्रमाण नहीं कर सकते, भागते हैं, जब भी प्रश्न उठते हैं भागते हैं, बोला आप दरकार नहीं चर्चा करने, प्रमाण तो करो आओ सामने। बहुत पढ़े लिखे हो, वेदांत तो पढ़े हो, अंग्रेजी पढ़े हो, सब सामने प्रमाण करो, प्रमाण नहीं कर सकता लेकिन बोल के चले जाते हैं, बड़ा इमोशन आता है इसमें, अरे महाराज देखो कितना जीव का सेवा का बारे में बताए, जीवे प्रेम करे जय जन सही जन से भी जय ईश्वर, ये प्रमाण करके दिखाओ। अब बोलने से तो होगा नहीं, अब हम बताएं स्टेट्समैन में 16 साल पहले स्टेट्समैन न्यूज़पेपर में निकला था, अब भी हमारा पास वो कटा हुआ पेपर है, उसमें तब का जमाने में एडिटर था अमलेंदु सेनगुप्तो और टेलीग्राफ का एडिटर था जेम अकबर। हमारा पास दोनों ही किताब पेपर आते थे कभी कभी, एक या दो, तो वो पेपर हमने किसी महाराज से वो काट के वो दिया मेरे को, महाराज आप प्रवचन करते हो प्रमाण को दिखाना सब कोई के सामने, किसी जाने माने मिशन का एक बड़ा नामी कोई सन्यासी है जिनको आप लोग बहुत सम्मान करते हो, फोटो भी रखते हो, उनका विचार दिया हुआ है एडिटोरियल कलम में, वहां भले सूर्य ग्रहण या चंद्रमा का गोहन का समय हिंदू समाज में, हिंदू बोलने का तो हमारी इच्छा ही नहीं है लेकिन बोलना पड़े कि आप समझ में नहीं आए, हिंदू बोल के कोई परिभाषा हमारा शास्त्र में है नहीं, जो सिंधु नदी का किनारे में जिस सभ्यता हुआ है तैरी
वेद का ऊपर भरोसा रखे उसी का नाम हिंदू बोला जाता है। हिंदू बोल के कोई परिभाषा यू कैन नॉट गेट फ्रॉम एनी डिक्शनरी है। तो इसमें बात यह है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का टाइम में किसी हिंदू परिवार में उस समय खाना पीना सब बंद रहता है, सब कुछ भोजन पानी नहीं, पेशाब आदि बहुत सारे नियम हैं। हमको जानकारी है नहीं कि आप लोग कहाँ तक पालन करते हों, लेकिन बहुत कुछ माना है, उसका भी साइंटिफिक बैकग्राउंड भी है। इस बात के लिए हम बैठे नहीं, लेकिन उधर वो स्वामी जी का एक जाने माने शिष्य है, जो स्वामी जी का हम नाम बताने दरकार नहीं समझा, उनका एक जाने माने शिष्य है, उनका घर है हाथी बागान नॉर्थ कलकत्ता में फोरिया पुकुर बोल के कोई जगह, उसी जगह उसका घर है। उसी समय दो तीन दिन से उस स्वामी जी उस शिष्य का घर में ठहरे हुए हैं, और जिस दिन सूर्य ग्रहण है ट्रेसमैन पेपर में है, उस दिन बलराम बाबू उनका शिष्य पूछते हैं कि गुरुदेव हम बाजार में जा रहे हैं अभी, आपका क्या क्या आपका आदेश है, क्या बनाऊं? तो वो मेनू भी दिया हुआ है क्या क्या बनाओगे, और मेनू का साथ पिक्चर भी दिया हुआ है। और गुरुजी बोल रहे हैं कि देखो एक काम करो, आज एक काम करना, मौरला माछेर सुक्तानी, बंगाली में बोलता है मौरला माछेर सुक्तानी, और इल्सा माछेर आपका सूखा सूखा होगा, और कोई माछ भी ला सकते हो, हिंदी भाषी क्या समझे आई डोंट नो, ऐसा करके मेनू को बता रहे। अब स्टेसमैन में दिया एडिटोरियल कर में, हाउ इज दैट पॉसिबल, वेयर एज वी नो ही इज अ फेमस मॉन्क, इंडियन मॉन्क हैं, उन लोगों का जो नियम है आचार निष्ठा है तो मिलता नहीं, और दिया हुआ है पूरा। सच्चा विचार हमारा ये है, हम अगर स्वामी जी को प्रश्न कर दे कि स्वामी जी आपका चरणों में मेरा दंडवत रहा, क्योंकि दंडवत करने में कोई हमारा कमी नहीं है, क्यों हम सोचते हैं कि उद्धव जी जब दुर्योधन को दंडवत किए तो हम इसको दंडवत करने में क्यों छोड़ दे, बिकॉज आई नो कृष्ण इज देयर इनसाइड हिम, तो हम उसको दंडवत कर देंगे उसका चरण में। हम प्रश्न करेंगे महाराज आप जो भाषण देने का टाइम में बताए थे जे जीवे प्रेम करे जे जन सही जन सेविचे ईश्वर, डू यू फॉलो इट योर सेल्फ, आप खुद पालन करते हो? अगर बोले पालन करे तो कोई माछ को कैसे आप तेलों में भाजा बना के खाओगे, तो भी तो जीव है। इल्सा माछ को कैसे आप काट के खाओगे, हाउ यू कैन डू इट, वेर इज यू आर पासिंग लेक्चर इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड दोज पीपल दोज आर हियरिंग दे आर ऑल फूल। जो भाषण है बाहर से उसको एक एक पंक्ति व्याख्या करके प्रमाण कर देंगे एकदम बोका, कुछ नहीं है उसका अंदर, इंडियन फिलोसॉफी कुछ नहीं है, भारतीय दर्शन जो है नहीं है, फिर भी कितना लाखों लोग का तलिया बचाए तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये मरना चाहता है कि मरे। दो चार बार आपने खुदकुशी करने का कोशिश किए, बाय चांस हमारा नजर में आ गया, आपको बचा दिया, अब हम दूरी हैं वृंदावन में हैं, कभी आप खुदकुशी कर लिया तो व्हाट आई कैन डू, समझा मेरा बात, हमारा नजर के सामने पड़ गया तो आपको मरने से बचा देंगे, अब हमारा नजर के सामने आप नहीं है, हाउ आई कैन प्रोटेक्ट यू, बट आई कैन प्रोटेक्ट यू इफ यू आर 100% इंक्लाइन टू मी, If I am staying thousands of miles away from you, still I can promise that I can protect you, provided you are inclined to me. शिष्य अगर गुरु का चरण में शरणागत हो जाए, चाहे वो लाखों माइल दूर रहे, तो गुरु जी आशीर्वाद के द्वारा उसको प्रोटेक्शन दे सकता। लेकिन जिसमें कोई शरणागति नहीं है, उटपटांग चिंता है, जरा सा भी कुछ भावना नहीं, क्या भक्ति है क्या है, सब उटपटांग बुद्धि है,
तो उसको बचाना हमारा लिए संभव नहीं है। हम तो ये कह सकते कि ये सच्चा है ये झूठा है, नाउ इट्स अप टू यू वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, आपका ऊपर है आप ग्रहण करो या ना करो तो आपका ऊपर है। हमारा ड्यूटी हुआ है, ठाकुर जी आदेश किए हैं, नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु पहुपाद भक्ति विनोद ठाकुर परम भैया केशव गोस्वामी बावन गोस्वामी सागर महाराज सब आदेश किए हैं, आपको सच्चा बोलने के लिए बुलाया गया। हम एंटरटेनमेंट के लिए बैठे नहीं, आपको कुछ मजा देंगे खूब गाना गाएंगे इसके लिए बैठे नहीं हैं। कुछ आपका ये विचार समझ में आया तो अच्छा है, अगर नहीं आया तो इसको सुनते रहो बार बार क्या बोला। हमने किसी का चर्चा नहीं किया, निंदा चुकली करने का मेरा इच्छा नहीं है, घृणा लगता है, बट टू प्रोटेक्ट यू आपको बचाने के लिए हमको बोलना पड़ता है, वहां मत जाओ वहां मरोगे, ये बोलना पड़ता है हमको, यहां आओ। तो इसमें तो हम क्या करें, हमारा बोलने का ड्यूटी है वहां मत जाओ आप मरोगे, यहां आ जाओ आप बचोगे, ये बोलना हमारा ड्यूटी है। तो हम इतना ही बता दिए, बहुत सारे चीज बोलने का इच्छा हुआ लेकिन समय अल्प है। हमारा बगल में बैठे हुए स्वामी जी थोड़ा दो शब्दों के द्वारा आपका मंगल विधान करेंगे। भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल, जब आप आविष्कार करोगे गुरु वैष्णव के कृपा के द्वारा, आपका मन का माया मन का जितना सारे इल्यूजन सब हट जाए तो देखोगे भगवान और गुरु वैष्णवों का सेवा करना ही द ओनली ड्यूटी विथ यू, आपका एकमात्र ड्यूटी है। दूसरा ड्यूटी है बोल के आप प्रमाण कर सकते हो तो आओ सामने करके दिखाओ, हम शास्त्रों से प्रमाण कर देंगे, एक ही ड्यूटी है। और बाकी जो संसार आदि करते हो कृष्णो को फोकस रखकर, कृष्णो इज द पिवोटेड पॉइंट, कृष्णो के बीच में रखकर आप संसार करो कुछ भी करो, देर इज नो डेंजर, उसमें कोई डेंजर नहीं है। शंकर भगवान को बीच में रखो तो यू आर इन डेंजर, कृष्णो शंकर को आपसे करोड़ों गुना मैं प्यार करता हूं, बट स्टिल आई एम बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ। शंकर भगवान को अगर सेंटर बनाओ तो ऐसा विचार बना के करो कि ये वैष्णव है जैसे हम करते हैं, ये कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है, शंकर भगवान का कीपा हुए तो हमारा भक्ति हुआ, हुआ ना। इस विचार के द्वारा शंकर भगवान को रखो, आपसे उसका आपका डेंजर नहीं है। लेकिन शंकर भगवान एक अलग ईश्वर है, कृष्ण को भजन करे न शंकर को, शंकर ही तो अच्छा है। देखो बाहर में कितना कुछ भोग राग का कोई चिन्ह नहीं है, ये विचार आया तो आप मरोगे, क्योंकि अलग ईश्वर कुछ नहीं है। दुनिया में एक ही ईश्वर तत्व है, वन एंड सिंगल अद्वैत ज्ञान तत्व, पूरा अनंत ब्रह्मांड में एक एक तत्व है, उसका नाम है अद्वैत ज्ञान तत्व, ही इज गोविंद कृष्ण, जो शंकराचार्य जी ने बताया, काल भी बताया था शंकराचार्य जी वाला, शंकराचार्य का कहना क्या है, तमाम दुनिया शास्त्रों का एक ही विचार है, कृष्ण छोड़कर कोई पर देवता नहीं है, परम ईश्वर। शंकर तो ईश्वर है, वरुण ईश्वर है, ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर को एब्सोल्यूट जो है वो एकमात्र कृष्ण है। वो लोगों को तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वरुण देवता को वाटर डिपार्टमेंट दिया गया, अग्नि देवता को अग्नि डिपार्टमेंट दिया गया, जैसे हमारा देश में होता है, होता है ना, बड़ा मजा आता, हम तो हंसी उड़ाते हैं, बोले महाराज ये मत्स्य मंत्री आए हैं, मत्स्य मंत्री, हम बोले मत्स्य मंत्री जिस देश में है उसमें मांस मंत्री भी होना चाहिए, क्यों नहीं है, मत्स्य मंत्री है तो मांस मंत्री भी होना चाहिए, नहीं है। गवर्नमेंट फुलिस, जो लोग बनाता है वो भी भूखा, सब भूखा। हमारा पूरा पॉलिटिकल लेवल में जो दो चार किसी किसी आदमी आता है जो उसका बुद्धि टकरा है वास्तव, जैसे हमारा था क्या नाम था शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, उसका बुद्धि ठीक था। जो भी है इसमें हमारा डर का कुछ नहीं है, कोई आए तो हम प्रमाण कर देंगे तुम्हारा बुद्धि खराब है,
शास्त्रों में प्रमाण है जो कृष्ण को नहीं मानते, जो शास्त्रों का विचार को ऊपर नहीं चलते हैं, ही हैज नो राइट टू कंट्रोल द कंट्री, देश को शासन करने का उसका कोई अधिकार नहीं है, शास्त्रों से प्रमाण कर देंगे, महाभारत रामायण भागवत सारे शास्त्रों प्रमाण कर देंगे। जिसका खुद का ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, हाउ यू कैन कंट्रोल अदर्स। तुम्हारा खुद का ऊपर कोई कंट्रोलिंग है? अभी चाहते ये करे, दूसरा मिनट में पागलपंती उदा छोड़ो, छूटो सिनेमा देखने, दूसरा टाइम बॉयफ्रेंड के पास जाओ होटल में, यू आर मैड योर सेल्फ, हाउ यू कैन कंट्रोल अदर्स? दूसरे को आप कंट्रोल करोगे? तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, बट कैन यू शो वन पॉलिटिकल लीडर, कैन यू शो वन पॉलिटिकल लीडर हु कैन एक्सेप्ट दिस पॉइंट? भगवान श्री कृष्ण का गीता में जो उपदेश है वो छोड़ के कोई अगर देश को शासन करने जाए तो मरेगा, वो मरेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताए, हम तमाम दुनिया को शासन करते चलाते हैं गीता उपदेश को, हमारा ही गीता उपदेश, हमारा ही गीता उपदेश है, इसको ही देके हम तमाम अनंत ब्रह्मांडों को चलाते हैं। बट यू आर नॉट रेडी टू रीड वन सिंगल पॉइंट फ्रॉम गीता, हाउ आई कैन से यू आर हिंदू? यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस फैक्ट, शर्म होना चाहिए। हम कहां तक बताएं, हमको क्षमा करना, पिता माता को बच्चा को शासन करने के लिए सच्चाई को बोलना पड़ता है, मारना पीटना पड़ता है, यही समझ के हमको क्षमा कर देना। बांछा कल्पतरुवश्य कृपासिंधु विभवश्च पतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो नमः।